प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना को लेकर कहा कि चिरंजीवी योजना तो 1 मई से प्रदेश में लागू हो जाएगी। अस्पताल में भर्ती होने पर ही योजना का लाभ मिलेगा। ऑपरेशन होने के 15 दिन बाद तक का इलाज भी कवर होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में कोविड को भी जोड़ा गया है। 1 मई बाद कोविड मरीज भी निजी अस्पताल में फ्री इलाज करा सकेंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि पहले तो सोचा था कि चिरंजीवी योजना पर बात करूंगा, लेकिन जिस तरह से 10 दिन में स्थिति बदली है, उसके बाद अब कोरोना पर पहले बात करना जरूरी हो गया है। पिछले साल हमने कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित रखा। पीएम मोदी ने भी राजस्थान की तारीफ की थी। हम कोरोना को लेकर रोजाना विशेषज्ञों के साथ बात कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर प्रदेश में आ चुकी है। सीएम गहलोत ने कहा कि पिछली बार कोरोना गांव में नहीं फैला था, लेकिन अब शहर में जो मृत्यु हो रही है उनमें से 30% लोग गांव के हैं। डूंगरपुर और उदयपुर में भी गांवों में कोरोना फैला है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी बचे यह ज्यादा जरूरी है। स्कीम लागू करना हम सबका फर्ज है, करना कुछ नहीं है। कई बार गरीब आदमी समझ नहीं पाता योजना को। और एक बात मैं अकेले करूँ, ये मित्र वाले जो भी अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि शिकायत आती रहती है। पहले जब स्कीम चालू की थी तो ई मित्र वालों को आवेदन करने का 20 रुपये, फिर जो 850 रुपये जमा कराने वाले थे लोग, उनसे 10 रुपये और लेते वो शुल्क, और पॉलिसी का जो देता वो सर्टिफिकेट दिया आपकी पॉलिसी बन गई बीमा की 5 लाख की, उसका 20 रुपये और लेता, 50 रुपये लगते। अब हमने फैसला किया कि 50 रुपये आप नहीं भरोगे, आप प्लीज आप समझे जनता को, 1 रुपया ई मित्र को देने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा सरकार देगी उसको 50 रुपये प्रति व्यक्ति। एक बात तो ये। दूसरा, ई मित्र वालों को हम कह रहे हैं कि अगर आपने कोशिश करी और वहां पर जन जागरण अभियान छेड़ के आपने 80% लोगों को करवा दिया रजिस्ट्रेशन 80%, तो आपको प्रति व्यक्ति 5 रुपये आपको बोनस मिलेगा एक्स्ट्रा ई मित्र वालों को। ई मित्र वाला कंफर्टेबल रहेगा, कोई बेईमानी करे उसके बाद में आप 181 पे आप शिकायत करो, हम उसके देखेंगे क्या उसको लाइसेंस कैसे करें क्या करें। 1 रुपया नहीं लगने वाला किसी का भी, जिनका लगेगा पैसे वालों को सिर्फ 850 रुपये, बाकी सबका फ्री है। तो ये बात आपको कहना चाहूंगा। और मेरा निवेदन ये है कि ये जो स्कीम है 5 लाख तक का बीमा, जिसमें जो पहले आपका बीमा अगर मिल रहा आपको तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो भामाशाह का मिल रहा था, चाहे आयुष्मान भारत का, बाद में हमने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना नाम रखा था, 1,10,00,000 लोग उसमें आए थे, तब भी अधिकांश प्रीमियम स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने रूल्स बना रखे हैं, बहुत कम पैसे वो देते हैं, 300-400 करोड़ रुपये, तो वो स्कीम सबको लागू नहीं हो सकती थी। हमने तय किया है पूरे प्रदेशवासियों का ही, चाहे वो NFSA में है, वो खाद्य सुरक्षा योजना में है या नहीं है, या जो एक और सर्वे हुआ था अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं है, सोशल इकोनॉमिक सर्वे, चाहे उस पर है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, उन तमाम लोगों को जो 1,10,000 परिवार हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है और जो बीमा का पहले कवर आ चुके हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। जयपुर शहर को गहलोत सरकार की ओर से रविवार को 5 सौगातें मिली। शहर के ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए 3 मुख्य प्रोजेक्ट सीतापुरा, जाहोता आरोबी और बंबारा पुलिया की सौगात सीएम गहलोत ने शहर को सौंपी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीतापुरा, जाहोता आरोबी और बंबारा पुलिया विस्तार प्रोजेक्ट का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया। इन तीनों प्रोजेक्ट का काम 2016-17 में शुरू हुआ था। 5 साल में बनकर तैयार हुए इन तीनों प्रोजेक्ट पर 138 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत ने सिविल लाइन आरोबी और रामनिवास बाग पार्किंग फेज 2 का शिलान्यास भी किया। ये दोनों प्रोजेक्ट 1.5 से 2 साल में बनकर तैयार होंगे। सभी समाज के लोगों से और स्त्री शिक्षा, बाल विवाह ना हो, विधवा विवाह हो, अंधविश्वास की जगह नहीं हो गई समाज में, ऐसी कुरूतियों के खिलाफ आवाज उठाई। तो जो सुनने में आता है कि सावित्रीबाई फुले को भी
बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि पहली शिक्षिका उन्होंने ज्योतिबा फुले पढ़े लिखे थे, वो अनपढ़ थी, तो जिस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया वो शिक्षिका बनी। फिर कहते हैं कि काफी उन्होंने स्कूल एक के बाद एक खोलना शुरू किया। तो ये उस वक्त मैं समझता हूँ कि सामाजिक क्रांति करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन शुरुआत महात्मा फुले ने करी और आज उसको सभी समाज लोहा भी मानते हैं। आज भी मैं समझता हूँ कि इसके उनके अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी देखिए छुआछूत, घूंघट प्रथाएं, लड़कियों में स्त्रियों में शिक्षा का अभाव, और पुरुष और स्त्रियों में जो इक्विटी होना आवश्यक है, जेंडर इक्विटी, उसमें अपन देखते हैं कि किस प्रकार से पुरुष प्रधान देश बना हुआ, आज भी पुरुष अपने आप को हावी मानता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महिलाओं में वो काबिलियत है कि देश के शासन में भी उन्हें भागीदारी मिली, लेकिन जो दर्जा उन्हें मिलना चाहिए वो अभी तक उन्हें नहीं मिला है, अभी भी देश पुरुष प्रधान ही माना जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को कस्तूरबा गांधी की जयंती के अवसर पर वीसी के जरिए राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य महिला नीति का विमोचन किया। इस दौरान महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान कहा कि 2013 में हमने बालिका नीति बनाई थी और आज की महिला नीति में हमने बालिका नीति को भी एकीकृत किया है। उन्होंने कहा कि इस नीति में हमारे जो कार्यक्रम हैं वो सरकार की सोच बताते हैं। उन्होंने इस नीति को महिलाओं के लिए नई क्रांति जैसी बताया। उन्होंने बताया कि आज जैसे पूरे देश का माहौल है वो ठीक नहीं है, और ये सभी जानते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है।